समाजवादी पार्टी के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं ने 31 मई सोमवार को सपा जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव के नेतृत्व में तपते दोपहर में मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर अनेक जरूरतमंदों और वहां पर रोजी की तलाश में पहुंचे कुलियों के बीच भोजन के पैकेट वितरित किए। इस अवसर पर बिलारी के विधायक मोहम्मद फहीम इरफान, समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव डीपी यादव एडवोकेट, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री जुगल किशोर वाल्मीकि, पूर्व जिलाध्यक्ष अतर हुसैन अंसारी, लोहिया वाहिनी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष लालू परवेज, महानगर अध्यक्ष मनोज यादव, समाजवादी पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी मनोज यादव, जिला पंचायत सदस्य मुर्शाद अली पाशा एडवोकेट डॉक्टर मोहम्मद रिजवान, भोजन वितरण कार्यक्रम के संयोजक शुभम शर्मा व शाहरुख, युवा सपा नेता रवि यदुवंशी, प्रशांत सैनी आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। ये बात उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के कारण आजकल ट्रेनें भी कम संख्या में चल रही हैं और यात्री भी कम संख्या में बाहर निकल रहे हैं, इसलिए रोजी की तलाश में रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले कुली भी आजकल थोड़ी दिक्कत महसूस कर रहे हैं। अतः सपा कार्यकर्ताओं ने अन्य लोगों के साथ साथ कुलियों को भी विशेष रूप से भोजन के पैकेट वितरित किए। इस अवसर पर कुछ व्यक्तियों ने जब चाय पीने की इच्छा व्यक्त की तो जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव ने अपने पास से पैसे देकर उनकी इच्छा पूरी की। इस कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए सपा जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव ने बताया, देखिए आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हमारे शाहरुख और शुभम शर्मा, इन लोगों ने ये आज व्यवस्था करी है और इन्हीं के माध्यम से हम लोगों को समाजवादी पार्टी के हमारे पूर्व मंत्री जुगल किशोर वाल्मीकि जी हैं, पूर्व प्रदेश सचिव डीपी यादव जी हैं, लालू परवेज जी हैं, मनोज यादव हैं मीडिया प्रभारी, मनोज यादव हैं हमारे लोहिया वाहिनी के महानगर अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य किसान हैं, प्रशांत सैनी हैं, रवि यदुवंशी हैं, सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आज यहाँ रेलवे स्टेशन पर जितने बेचारे राहगीर जो परेशान हैं, जो बाहर से आ रहे हैं उनको भी खाना वितरण करेगा और जो रिक्शा चला रहे हैं या वैसे और गरीब मजदूर हैं जिन्हें खाने की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, उनको आज हमने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भोजन वितरण कराया, भोजन की व्यवस्था करी है। मैं अपने दोनों कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शाहरुख को और शुभम शर्मा को, इन्होंने बहुत अच्छा कार्य करा और इसी तरीके से समाजवादी पार्टी के हमारे साथी कार्यकर्ता नौजवान साथी लगे हुए हैं। लगातार जिस दिन से लॉकडाउन लगा हर हमारा कार्यकर्ता जहाँ जिससे संभव मदद हो रही है, जिस स्तर की मदद हो रही है, समाजवादी पार्टी का एक एक वर्कर एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ हर तरीके से मदद कर रहा है। लॉकडाउन में जैसे भी लोग हैं उनके हर संभव चाहे दवाई की जरूरत हो या भोजन की ज़रूरत हो या जिस तरीके की भी हमारे कार्यकर्ता मदद कर सकते हैं वो मदद करने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सबसे आगे पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का वर्कर सड़कों पर है और सभी के जो दुख सुख में खड़ा है समाजवादी पार्टी का साथी। अखिलेश यादव जी ने जो दिशा निर्देश दिए हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने सभी कार्यकर्ताओं से कहा है जिसकी जैसी क्षमता है वो अपने हिसाब से सबकी इस लॉकडाउन में मदद करें, चाहे दवाई से लेकर खाने की व्यवस्था, जो भी व्यवस्था हमारे कार्यकर्ता कर सकते हैं वो करने के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आदेश दिए और हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जनपद मुरादाबाद में जिस दिन से लॉकडाउन लगा है उस दिन से समाजवादी पार्टी का वर्कर लगा हुआ पूरी तरीके। भोजन वितरण कार्यक्रम के संयोजक शुभम शर्मा ने इस अवसर पर बताया कि वह तथा उनके साथी पिछले 9 दिन से लगातार भोजन वितरण कर रहे हैं। ये हमारी 6 दिनों की टीम है, इंदिरा कॉलोनी गुलाबबाड़ी जी, शाहरुख भाई, मैं, इनको ठाकुर हैं भैया, तो हमारे सौजन ने आज ये बना था। तो इससे पहले भी आपने भोजन वितरण किया है? लगातार चल रहा है। अच्छा, और अभी ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा? तब तक आगे सिलसिला ही जारी। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम शर्मा के साथ ही शाहरुख ने इस अवसर पर कहा, हमें जो हमारी हिम्मत बढ़ाई थी वो हमारे रवि भाई ने जो शुरू से ही पहले से ही रसोई को चला रहे हैं, उनके देखा देख में हमने हमारी टीम ने इंदिरा कॉलोनी से हमने मिलकर इस चीज़ को आगे बढ़ाया और ये जब तक लॉकडाउन रहेगा जब तक हम ये कार्य करते रहेंगे और समाजवादी का हर एक कार्यकर्ता इस चीज़ में भरपूर सहयोग करेगा, सहयोग कर रहा है। जिलाध्यक्ष जी ने आज आकर आप लोगों का मनोबल बढ़ाया तो क्या कहना चाहेंगे? जिलाध्यक्ष जी इन चीज़ में सबसे आगे रहते हैं, कभी अगर हमें अगर उनकी जरूरत पड़ती है तो हमारे साथ और हमसे हर चीज के लिए पूछते भी हैं। विदित हो कि गत दिनों मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के महानगर अध्यक्ष कामिल मंसूरी ने भी युवा सपा नेताओं के साथ मिलकर सपा जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव के मार्गदर्शन में लगातार कई दिन तक भोजन वितरण का काम किया था।